अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी है कि कैसे चाइना दुनिया भर में अपनी छवि सुधारने के लिए, अपना नैरेटिव फैलाने के लिए पैसा देता था, और भारत में ये काम किया गया एक न्यूज एजेंसी न्यूज क्लिक के जरिए। न्यूज क्लिक का नाम 2021 में भी सुर्खियों में आया था, जब 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापेमारी की। न्यूज क्लिक को चाइना का एजेंडा फैलाने के लिए 76 करोड़ रुपए मिले थे, और ये पैसा नोबेल रॉय सिंघम नाम के एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने शेल कंपनियों के माध्यम से दिया था। न्यूज क्लिक के प्रदीप पुरकायस्थ इसका कोई ब्यौरा नहीं दे पाए। मामला केवल मनी लॉन्ड्रिंग तक ही नहीं है, बल्कि ईडी को छापेमारी के दौरान कई सेंसिटिव दस्तावेज, कई ईमेल्स भी मिले हैं, और इन ईमेल्स में भारत चीन सीमा विवाद, अरुणाचल पर चीन के कब्जे, डोकलाम विवाद, कोरोना में चाइना की छवि कैसे सुधारी जाए, ऐसे तमाम सेंसिटिव मुद्दे शामिल हैं। 2021 में जब ये मामला सामने आया था तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने इसे प्रेस की आजादी का हनन बताया था। आज न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने इस खबर पर मोहर लगा दी, और अब इस मामले में सब खामोश है। मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष से लेकर कुछ मीडिया हाउसेज और एक्टिविस्ट तक भारत विरोधी एजेंडे में शामिल है, जो दुश्मन देशों की फंडिंग से चलता है।